नमस्कार दोस्तों दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के बारे में, क्योंकि एक एक खबर चुन चुन के लाया हूँ। जैसे चुन चुन के लाते हैं ना आप सामान, वैसे ही चुन चुन के लाया हूँ। तो सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दो। पहली खबर आ रही है, मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो मैं तुम्हें जिंदाबाद कहूंगा, विधानसभा में विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने झल्लाते हुए कहा कि मेरे खिलाफ चाहे मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो मैं तो जिंदाबाद ही कहूंगा, लेकिन याद रखना अगले चुनाव में आप में से ज्यादातर लोग फिर से निर्वाचित नहीं हो पाएंगे, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार के यूनिवर्सिटी में अब नहीं होंगे इंटर की पढ़ाई। जी हां, आपको बता दें शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को एक जारी आदेश हुआ है, जिसके अंदर विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कॉलेज से इंटरों की शिक्षा अलग की जाएगी। इसके तहत यह निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में इंटरमीडिएट जो पढ़ाई है वो अब अलग होने वाली है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर, के पाठक पर होगी कार्यवाही, विधान परिषद में उठा ACS के वायरल वीडियो का मुद्दा, जांच के लिए कमेटी गठित। जहां बिहार विधान परिषद में भाजपा MLLC संजय मयूख ने कहा कि शिक्षा विभाग के ACS के पाठक ने विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, तो उसके लिए कार्यवाही की मांग कर दी गई है। जल्दी उस पर कुछ निर्णय आता है तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, लोकसभा के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग का तोहफा, अब 5 के बदले 14 गाड़ियों से कर सकेंगे प्रचार। जी हाँ, चुनाव आयोग, आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को 5 की जगह 14 वाहनों की सुविधा मिलेगी, चुनाव के दौरान भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और आप सबको पता है, अभी के टाइम पे एक जानकारी आपको दे देता हूँ, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ गलत किसी प्रकार से प्रचार नहीं करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे इन चीज़ों पे काफ़ी सख्ती बरती जा रही है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं और बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, बेगूसराय में अमर झटका मीट की दुकान पर प्रचार करते दिखे गिरिराज सिंह, वीडियो हो गया वायरल। जी आपको बता देना चाहते हैं कि वायरल वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि मुस्लिम समाज में हलाल मीट खाता है और हम लोग झटका, इसलिए मैं अमर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि बेगूसराय के अंदर जो दुकान खोली गई है इसका नाम भी गिरिराज अमर झटका मीट रखा गया है। बाकी आपका इसके प्रति जो भी विचार है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, सरस्वती पूजा में बवाल पर नीतीश सरकार की सख्ती, जिनकी लापरवाही से उपद्रव हुआ उन पर लिया जाएगा एक्शन। जी आप सबको पता है, कुछ दिन पहले मैं पुरानी खबरों में भी कवर करते हुए आ रहा हूँ कि सरस्वती पूजा के दिन काफ़ी बवाल कर दिया गया था, तो उसके लिए बिहार के नीतीश सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें जो लापरवाही की गई थी सरस्वती पूजा के दौरान जो उपद्रव हुआ था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गृह विभाग की ओर से पत्र भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल आना होगा, नीतीश कुमार बोले के पाठक ईमानदार अफसर। जी हां, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुबह 10 बजे से स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, उसके लिए शिक्षकों को 15 मिनट पहले यानी कि 9:45 बजे स्कूल पहुंचना होगा, नीतीश के पाठक को ईमानदार अफसर भी बताया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, 16 साल के लड़के ने कर्ज लेकर शेयर बाजार में किया निवेश, पैसे डूबने से दे दी जान। जी हाँ, उस लड़के ने जो पैसा तो ले लिया लेकिन उसके जो दोस्त थे वो लगभग 3 लाख रुपए यानी कि रोज 6,000 रुपए की वापस मांगने की उसे मांग कर रहे थे, और ऐसा नहीं करने पर उसे पीटने और पुलिस की शिकायत करने की धमकी भी दी जा रही थी, और उसके बाद उसने गलत कदम उठा लिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इसलिए आप सब भी, कोई भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कभी भी लाइफ में कोई भी समस्या है तो कुछ गलत कदम नहीं उठाइएगा, सही दिशा में अपना कदम रखो, मेहनत करते रहो, कुछ गलत मत करो बस। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बीजेपी पहले वॉशिंग मशीन थी अब डस्टबिन बना कूड़ा समेट रही है, तेजस्वी यादव ने जदयू का भविष्य भी बता दिया। जहां RJD कोटा के मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के निर्णय पर तेजस्वी ने सादा एक निशाना और सच में एक जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि सच कहूं तो किस बात की आंच, वे लोग जांच करते रहें उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे आपको पता है कि इस प्रकार से जब चुनावी दौर चलता है तो कुछ ना कुछ निशाने चलते ही रहते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में कुल कितने वोटर हैं, कितने मतदाता करेंगे पहली बार वोटिंग, चुनाव आयोग ने बताया। जी आप सबको पता है कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि मतदान एक चिंता का विषय रहता है, क्योंकि राजीव कुमार ने कहा है कि बिहार में कम मतदान का चिंता का विषय, क्योंकि यहाँ वह जन्मभूमि है जहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ था और यहाँ के जो नागरिक हैं अभी भी राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक नहीं है, तो उन्हें वोट के बारे में इतना पता रहता नहीं है, वोट देते हैं नहीं देते हैं इस प्रकार से, तो इस बार भी देखना होगा। लेकिन हाँ, सरकार प्रचार तो कर रही है ताकि हर व्यक्ति वोट दे, और वोट देना हमारा अधिकार भी है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, जी नरेंद्र नारायण यादव होंगे विधानसभा के उपाध्यक्ष, महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, जदयू के नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे, वे गुरुवार को इसके लिए विविधित नामकरण करेंगे। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र नारायण यादव सुबह 10:30 बजे नामांकन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, चाचा को बीजेपी ने हाईजेक किया,
विष भंग कर लोकसभा संघ चुनाव चाहते हैं सीएम तेजस्वी के निशाने पर नीतीश। जी हां, तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लगता है भाजपा ने हमारे चाचा यानी नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया। हम नौजवान हैं, नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बिहार की सारी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।